शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरे का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। शहरों के विस्तार के चलते ये समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर बनती जा रही है। इसलिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत घनी बसाहट वाले महानगरों में ठोस कूड़े के निपटारे पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नगर निगम के साथ जुड़कर कई संस्थाएं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में काम कर रही हैं। इसी में से एक है टाटा ट्रस्ट, जो कचरा जहां निकल रहा है उसी जगह उसके निपटारे की अवधारणा के जरिए ये काम कर रहा है। प्रायः किसी भी तरह के कचरे के प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य या सरकार की मानी जाती है, लेकिन सरकार अकेले कचरा प्रबंधन नहीं कर सकती। कचरा प्रबंधन में समुदाय की बड़ी भूमिका होती है। समुदाय जो कचरा पैदा करता है उसे अपने स्तर पर निस्तारित भी कर सकता है या फिर सरकारी प्रयासों को सफल बनाने में अपनी भूमिका तय कर सकता है। वाराणसी के कुछ इलाकों में टाटा ट्रस्ट द्वारा एक नए मॉडल पर ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर काम हो रहा है। आज हम उस नए मॉडल को देखने और उसकी कार्यप्रणाली को समझने के लिए चल रहे हैं। आप भी चलिए हमारे साथ और शामिल होइए हमारी इस यात्रा में। चलिए, यह है वाराणसी का भेलूपुर क्षेत्र, जहां पर ठोस कचरा प्रबंधन यानी पुनः उपयोग में लाए जाने वाले कचरे का संग्रहण और रीसाइक्लिंग पुनर्चक्रण के लिए टाटा ट्रस्ट नगर निगम वाराणसी के साथ मिलकर काम कर रहा है। मॉडल प्रोजेक्ट के तहत हर वार्ड में अलग अलग तरीके से कूड़े कचरे का संग्रहण हो रहा है। इस संदर्भ में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर डॉक्टर विनयानंद द्विवेदी जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। द्विवेदी जी, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि किस तरीके से कूड़े कचरे का संग्रहण घर घर जाकर आप लोगों के द्वारा हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि कूड़े के समुचित प्रबंधन और निस्तारण में डोर टू डोर कलेक्शन की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसी प्रयास को सार्थक करने के लिए नगर निगम और टाटा ट्रस्ट ने मिलकर भेलूपुर वार्ड और रानीपुर वार्ड में डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य प्रारंभ किया। इसमें हम लोग जो है घर घर से पृथक्कृत कूड़ा, गीला और सूखा कचरा अलग अलग एकत्र करते हैं। उसको ले जाके हम भवनिया पोखरी में RDF है वहाँ पे सॉलिड वेस्ट को मैनेज करते हैं, प्लस गीले कचरे को हम बायोमेथिनेशन प्लांट में ट्रीट करके उससे एनर्जी जो प्रोवाइड होती है उसको हम जलकल संस्थान को भेजते हैं। कूड़े का कलेक्शन जो प्रभावी तरीके से हो सके इसकी मॉनिटरिंग के लिए हम लोग यहाँ पे RFID टैगिंग की का भी प्रारंभ किया है हम लोगों ने। तो जब भी हमारा कूड़ा कलेक्टर जाता है, कचरा कलेक्टर जाता है हर घर पे, तो जैसे ही वो घर के अंदर एंट्री करता है एक RFID टैगिंग होती है, वो उसके पास एक मशीन होती है, उसको वो उस RFID टैगिंग से स्कैन करता है तो हमें पता चल जाता है कि किस घर से कूड़ा कलेक्ट हुआ है और किस घर से नहीं। अगर किसी घर से कूड़ा कलेक्ट नहीं होता है तो हमको जब पता चलता है तो हम उसको शॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं और तत्काल उसको सुधारते हैं। एट सोर्स डिस्पोजल यानी कचरा जहां जनित हुआ वहीं उसका किस तरीके से उपयोग किया जाए, इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भावना श्रीवास्तव जी, आइए उनसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। भावना, ये एट सोर्स डिस्पोजल जो है ये किस तरीके से काम करती है और कैसे इस कार्यप्रणाली को लोगों ने अपनाया? जी, हमने महिलाओं की एक समिति बनाई, हर कॉलोनी में जाके एक एक समिति को का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत हमने उनको पहले अवेयर किया, डोर टू डोर अवेयरनेस, जैसे हमने उनके कचरे के बारे में बताया, गीला क्या है, सूखा क्या है, खतरनाक क्या है और किस प्रकार से हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे हम गीले से खाद बना सकते हैं। अब खाद बनाना बहुत ही आसान प्रक्रिया है, जैसे कि आप अपने घर से बचे हुए डेली के जूठन किचन में एक आप सेपरेट डस्टबिन रख दीजिए और जो भी खाने का वेस्ट बचे उसको डायरेक्ट उसी में डाल दें। उसके बाद उसमें थोड़ा सा गुड़, दही या बेसन, कुछ भी, इन तीनों में से कोई भी एक आप डाल दीजिए जिससे बैक्टीरिया जनरेट हो। उसके बाद हम उसे एक कंटेनर में स्टोर करें और 45 दिन बाद उससे हम खाद बना सकते हैं। और जो महिलाएं हैं वो एक तरीके से एम्पावर्ड फील कर रही हैं कि अपने आप से कचरा बना रही हैं अपने प्लांट्स के लिए और उसके थ्रू वो कमा भी सकती हैं, क्योंकि ये खाद जो है वो 500 से 600 रुपये किलो है, तो आप पर मंथ 30 किलो से ऊपर खाद बना सकती हैं। नीलम जी, जब आप
ठोस कचरा प्रबंधन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती हैं, कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि अब वेस्ट बहुत कम निकल रहा है, खाली ड्राई वेस्ट निकलता है और ये बहुत इजी चीज़ है और मेरे को प्लांट्स का बहुत शौक है, तो मेरे को लगता है ये मेरे लिए प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा फूड तैयार हो रहा है, नेचुरल तैयार हो रहा है कुछ भी उसमें, और एनवायरमेंट क्लीन जो है, पर्यावरण भी बहुत अच्छा, बहुत कम निकल रहा है तो ऐसे भी अच्छा लग रहा है ना खुद को भी कि कम देना पड़ता है, घर में हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं और बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, थोड़ा सा गोबर डालिए, गुड़ डालिए और पानी डालिए और खाते हैं। नगर निगम और टाटा ट्रस्ट का जो अभियान लगातार चल रहा था उसे लेकर कंपोस्टिंग को आपने अपनाया है, कैसे आप उसे अपने घर में इस्तेमाल करती हैं, उससे जो खाद बनती है? मैं जो है जो घर किचन वेस्ट है उसको मैं ऊपर अपने बड़ा सा ड्रम मैंने रखा हुआ है उसमें मैं डाल रही हूँ, और इन्होंने बताया था दिसंबर में आए थे तो कि कैसे करना है, उसमें मट्ठा और गुड़ का पेस्ट मैं डाल रही हूँ, और प्लस किचन के जितने भी वेस्ट हैं, कागज़ है और सब्जी के छिलके हैं, ये सब चीज़ें मैंने इसको कूड़े वाले को ना दे करके मैं इसका जो है अपने उसमें गार्डनिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। ठोस कचरा प्रबंधन के इस मॉडल में समुदायों को जोड़ना बेहद आवश्यक है। टाटा ट्रस्ट और नगर निगम वाराणसी लगातार समुदायों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, इस संदर्भ में आइए बातचीत करते हैं, हमारे साथ मीनाक्षी जी मौजूद हैं। मीनाक्षी जी, कैसे आप समुदायों को जोड़ते हैं और नगर निगम के साथ मिलकर किस तरीके का कोऑर्डिनेशन होता है आपके काम का? देखिए, इस पूरे मॉडल में समुदाय का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, वो अपने तरफ से आगे नहीं आएंगे, तो कोई भी नगर निगम अकेले कुछ नहीं कर सकता। तो जब हम लोगों ने कम्युनिटी को मोबिलाइज करना शुरू किया, एक एक घर में जा जा कर लोगों को बताया कि किस तरह से कचरा हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे आसपास के लिए, बच्चों के लिए नुकसानदेह है, और अगर हम उसको प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं, वेस्ट को मैनेज करें अगर सही ढंग से, तो हम उन सारे जो इल इफ़ेक्ट हैं उसके उससे बच सकते हैं, और जैसे कचरे से बहुत सारी बीमारियां हमारे पास वापस लौट के आती हैं, अर्थ पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, तो उसको हम रोक सकते हैं। तो लोग जैसे जैसे मैंने देखा कि ये चेन बनती गई, एक लोग समझे, एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, और आज देखिए आप पूरी पूरी कम्युनिटी, पूरी कॉलोनी उस पर, हम एक कदम चले थे वो दो कदम के साथ हमारा साथ दे रहे हैं अभी। कैसे आप लोग इस जो जागरूकता अभियान है इससे प्रभावित हुए और कैसा लगता है अब? पेंटिंग्स के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि आप कैसे गीला और सूखा कचरा को अलग कर सकते हैं, और क्या सूखा कचरा होता है, क्या गीला कचरा होता है, ये सब हम लोग मालूम तो था, पर टाटा ट्रस्ट के आने के वजह से ज़्यादा जानकारी हो गई और फिर हम खुद भी करने लगे और अपने कॉलोनी में भी लोगों को बताने लगे। वाराणसी नगर निगम और टाटा ट्रस्ट प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की दिशा में भी काम कर रहा है, और उनके इस कदम पर शहरवासियों का सहयोग भी उन्हें मिल रहा है। इस संदर्भ में बातचीत करते हैं, हमारे साथ भावना श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। भावना जी, प्लास्टिक लाओ थैला ले जाओ, ये अभियान भी टाटा ट्रस्ट और नगर निगम के सहयोग से शुरू हुआ है, इसमें क्या कुछ काम आप लोग कर रहे हैं और क्या कुछ करना अभी किस दिशा में बाकी जी? एक्चुअली हम लोग कचरे के सेग्रीगेशन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसमें हम लोग गीले कचरे से तो खाद और सूखे कचरे से प्लास्टिक, सूखे में मेनली प्लास्टिक होता है, तो हम लोग प्लास्टिक कचरे को जनता द्वारा दे के उसके बदले में हम लोग झोला दे रहे हैं, काइंड ऑफ इंसेंटिव मॉडल है, बट इसमें हमें UNDP एंड BVJ के थ्रू पार्टनरशिप मिली है, वो हमें इस मुहिम को चलाने में मदद कर रहे हैं, तो वो लोग आते हैं, लोगों से प्लास्टिक लेते हैं, उसके बदले में झोला या मॉनिटरी वैल्यू देके जाते हैं, तो हम लोग एक तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि वो लोग प्लास्टिक अलग से सेग्रीगेट करें। ठोस कचरा संग्रहण, हटाई और निपटारे के लिए नगर निगम वाराणसी के प्रयासों का चयनित इलाकों में सकारात्मक असर दिखाई पड़ रहा है, ऐसे ही प्रयासों से कचरा प्रबंधन में सफलता मिल सकती है। इसी के साथ हमारी आज की पेशकश में इतना ही, अगले किसी और कार्यक्रम में होगी आप सबसे मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।